मशीन है जो कि उसके मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और वो उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। अब ये कैसे वर्क करती है, कितने टाइप की मशीन होती है, वो हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। CMM इज ए 3D डिवाइस फॉर मेजरिंग द फिजिकल ज्योमेट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स एक 3D में वर्क करती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में आपका जितना भी मूवमेंट होगा आपके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, उस कोऑर्डिनेट्स को मूवमेंट करके आपकी ज्योमेट्री, जो भी फिजिकल ज्योमेट्री है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको मेजर किया जाता है। CMM इज ए मशीन विच टेक्स रीडिंग इन 6 degrees ऑफ फ्रीडम एंड डिस्प्लेस दीज रीडिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो जैसे ही हम इसको कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये प्रॉब है जो कि दिखाई दे रही है इसके साथ। अब ये इसका मूवमेंट जो भी रहेगा, किसके अकॉर्डिंग, आपका जो ऑब्जेक्ट आपने सेट किया है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप फिक्स कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको मेजर जो होगा इसके अंदर, वो मेजरमेंट आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किसके फॉर्म में दिखेगा, मैथमेटिकल फॉर्म में। जो रीडिंग्स होंगी आपकी वो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। CMM इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी CMM जो है वो एक इंडस्ट्रियल रोबोट का स्पेशल फॉर्म है। इंडस्ट्रियल रोबोट क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट का वर्क होता है कि कोई भी काम है उसको ऑटोमेटिकली किया जाए, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे मटेरियल हैंडलिंग में हो, या फिर आपके मेजरमेंट में। तो इंडस्ट्रियल रोबोट की तरह ही आपके मेजरमेंट के लिए वर्क करते हैं। पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, मेनली इसके 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। मेन स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये फिक्स रहती है। सेकेंड, प्रॉबिंग सिस्टम रहता है आपके, इसके नीडल या स्टाइलस जिसके थ्रू आप मेजरमेंट करते हैं। नंबर 3, डाटा कलेक्शन एंड डिडक्शन सिस्टम। डाटा कलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी मशीन वर्क करेगी। मशीन कंट्रोल यूनिट जो MCU होती है, MCU करती है कि आपके मैकेनिकल मूवमेंट को आपके कंप्यूटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर जो उसको डिस्प्ले करता है। तो ये तीनों कंपोनेंट रहेंगे आपके मेन स्ट्रक्चर के अंदर, पार्ट्स में। अब इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं, उनके अंदर सबसे पहला टाइप आता है आपका गैंट्री टाइप। तो ऐसी मशीन जिसके अंदर वो पिलर्स के ऊपर, डिफरेंट पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर आपकी मशीन को माउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपकी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको माउंट किया गया है। और उनको माउंट करने के बाद वहाँ पे आपकी जो मशीन है ऊपर के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, वो मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी, प्लस यहाँ पे जो नॉब लगी हुई है, प्रॉब है, वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है जेड एक्सिस में। तो इस तरह से आप अपनी मशीन के सारे मूवमेंट्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि 6 degrees ऑफ फ्रीडम में मशीन किस तरह से रोटेट हो रही है। एडवांटेज है इसका मेजरमेंट ऑफ लार्ज साइज पार्ट्स। तो ओवरहेड क्रेन्स जो होती हैं मोस्टली, उसी टाइप की आपकी मशीन है, और बड़े साइज के पार्ट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम इस टाइप की मशीन को यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज, ज्योमेट्रिक चेंजेस कॉज्ड बाय नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओइंग टू देयर लार्ज साइज। तो दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा बड़ी साइज की वजह से जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट का, वो हम प्रॉपरली चेक नहीं कर पाते। एप्लीकेशंस, हैवी मशीन कंस्ट्रक्शन, कार बॉडी एंड मोल्ड मेकिंग सेक्टर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मेजरिंग विंड टनल मॉडल्स। तो दैट मीन्स जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं, लार्ज साइज के इक्विपमेंट्स हैं या लार्ज साइज के प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर जहाँ भी बन रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस टाइप की जेंट्री टाइप मशीन है वो यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप आपके कैंटिलीवर टाइप। कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर आपकी एक एक्सिस के ऊपर कोई भी एक कॉलम है, कॉलम पे बीम टाइप में आपकी स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्री होती है एक एंड से, तो वो हमारी बीम कैंटिलीवर टाइप होती है। उसी टाइप की आपकी मेजरिंग अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैंटिलीवर टाइप CMM। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में ऊपर कि यहाँ पे एक आपका कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर एक आपकी प्रॉब है वो फिक्स है एक डायरेक्शन से। तो यहाँ से हम आप मेजर कर सकते हैं इसके अप एंड डाउन मूवमेंट से, इसका अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट हो सकता है, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है आपका कॉलम, वो आपका मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर तीनों एक्सिस के अंदर इसका मूवमेंट देख सकते हैं। मोस्टली जैसे आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई कार की बॉडी है और अगर हमें उसे मेजर करना है तो वो इसके बीच में माउंट की जाती है, और दोनों साइड से आपके 2 प्रॉब्स होती हैं वो इसको मेजर करती हैं कि आपके डायमेंशंस है वो प्रॉपरली, जो डायमेंशन आपने दी थी वही डायमेंशन उसके एग्जैक्ट है या नहीं है। डिसएडवांटेज, बेंडिंग ऑफ द कैंटिलीवर अबव द मेजरिंग एरिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे बेंडिंग है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
क्योंकि कैंटिलीवर है तो दैट मीन्स वो स्ट्रेट रहेगी, और स्ट्रेट है तो आपके जो मूवमेंट हैं, जो राउंडेड एरिया है, वहाँ पे आपकी कैंटिलीवर मूव नहीं कर सकती। फॉर चेकिंग सीट मेटल, कास्ट आयरन एंड स्टील पार्ट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग, तो जो नॉर्मली सीट मेटल के प्रोडक्ट्स हैं, जो डिज़ाइन है, शेप है, उनको चेक करने के लिए आपकी कैंटिलीवर टाइप स्ट्रक्चर यूज की जाती है। नंबर थ्री, जो नेक्स्ट है आपकी मेन स्ट्रक्चर है इसकी, कॉलम टाइप। तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है वो कॉलम टाइप अगर है तो कॉलम यहाँ पे फिक्स है, बाकी मूवमेंट जो होगा वो किसका रहेगा, आपके बेड का। तो बेड का यहाँ पे मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल आर्म टाइप, दैट मीन्स यहाँ पे जो आर्म है आपकी वो हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे आपका बेड मूव कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाती है, कॉलम टाइप स्ट्रक्चर। हाई एक्सेलरेशन एंड स्पीड ओइंग टू द लार्ज सपोर्टिंग बेस ऑफ द कॉलम एंड इट्स लो वेट, तो वो हमारे कॉलम टाइप में हमें देखने को मिलती है। सूटेबल है स्मॉल मेजरिंग रेंज के लिए, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ी अगर हमें कोई भी पार्ट मेजर करने हैं तो उनके लिए ये मेजरिंग यूज़ नहीं की जा सकती। एप्लीकेशन इन प्रिसीजन मेजरमेंट ऑन गेजेज एंड मास्टर पार्ट्स, तो कोई भी हम गेज या मास्टर पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं तो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारे लिए बेस्ट रहती है। ब्रिज टाइप, ब्रिज में क्या होता है कि आपकी जो मशीन है उसकी प्रॉब रहेगी, वो एज ए ब्रिज आपके बेड के ऊपर फिक्स रहती है, तो एज ए ब्रिज यहाँ पे ये फिक्स रहेगी और जो मूवमेंट रहेगा इसका वो ऊपर के ऊपर जो सपोर्ट लगा हुआ है उस सपोर्ट के ऊपर आपके ये मूवमेंट करेगी। तो मोस्ट वाइडली यूज हाई रिजिडली ओइंग टू कॉम्पैक्ट ब्रिज डिजाइन एंड दिस स्मॉल मेजरिंग डेविएशन, तो दैट मीन्स वहाँ पे आपकी कॉम्पैक्ट भी है और थोड़ा सा जो मेजरिंग डेविएशन है वो स्मॉल हो जाता है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि आपका ब्रिज है वो एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर होती हैं उनके अंदर आपका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, तो स्ट्रक्चर में आपका कोई मूवमेंट वैसे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब इसको हमने स्लाइडिंग मोशन दे रखा है तो ये थोड़ा बहुत मूव कर सकती है उसके ऊपर, बट आपकी ब्रिज की जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स रहेगी और इसकी वजह से आपके लिए एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हम मीडियम से लार्ज जो मेजरिंग रेंज रहती है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। पोर्टेबल CMM, पोर्टेबल CMM आपके बिल्कुल एक रोबोटिक आर्म की तरह है, जिसके अंदर आपकी 6 रोटेटरी एक्सिस हैं विद रोटेटरी एनकोडर्स इंस्टेड ऑफ लीनियर एक्सिस, तो यहाँ पे जो रोटेटरी मोशन है उसकी वजह से आपको पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है कि किसी भी एंगल पे आप इसको चेक कर सकते हैं, बट लेस एक्यूरेट देन ए ब्रिज टाइप CMM। एक्यूरेट कम क्यों है, क्योंकि आपकी जो नॉब है वो हवा में रहेगी और किसी न किसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। यूज एंगुलर मेजरमेंट्स टेकन एट द जॉइंट ऑफ द आर्म टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द स्टाइलस शिप, यहाँ पे हमें एंगुलर मेजरमेंट लेने होते हैं ताकि आपकी स्टाइलस की जो पोजिशन है वो स्टाइलस आपका जो प्रॉब यहाँ पे हम टिप पे देखने को मिलता है उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन रीच द इनसाइड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, अब इसका मूवमेंट ज़्यादा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है और इजीली इसके आर्म रोटेट होके पहुंच सकती है कहीं भी, तो इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं वहाँ पे ये इजीली पहुंच जाती है और इससे हम इंटरनल डायमीटर और इंटरनल ज्योमेट्री जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की उसको भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। मेनली इसके एप्लीकेशंस हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में, रैपिड प्रोटोटाइप बनाने में, या लार्ज स्केल इंस्पेक्शन ऑफ लो वॉल्यूम पार्ट्स आर आइडियली सुटेबल फॉर पोर्टेबल CMM। तो दैट मीन्स आपके पास अगर कोई भी कम वॉल्यूम के बड़े पार्ट्स हैं तो उनके लिए हम पोर्टेबल CMM को इजीली यूज कर सकते हैं। इसके फीचर्स में क्या आता है, फर्स्ट आती है आपकी ग्रेनाइट टेबल, जो टेबल हम इसके बेस के लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर एंड थर्मली स्टेबल मटेरियल है इसीलिए हम ग्रेनाइट यूज करते हैं, लो पोरोसिटी रहती है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है वो लो रहता है, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है, स्ट्रेंथ अच्छी है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेक्सचर मिलती है, नॉन ग्लेयरिंग सरफेस एंड MIH थ्रेडेड टेबल इंसर्ट्स, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ग्रेनाइट टेबल आपका फुलफिल कर देता है। एयर बैरिंग्स, बैरिंग्स आपको क्या करते हैं प्रोवाइड, ताकि आपकी फ्रिक्शन फ्री ट्रेवल इसके अंदर आपको मिल सके। कंप्रेस्ड एयर इज फोर्स्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेरियस स्मॉल होल इन ए फ्लैट बैरिंग सरफेस टू प्रोवाइड ए स्मूथ बट कंट्रोल्ड एयर कुशन ऑन विच द CMM कैन मूव इन द फ्रिक्शनलेस मैनर, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप जो मूवमेंट दे रहे हो वो मूवमेंट आप किससे प्रोवाइड कराते हैं,
कंप्रेस्ड एयर के थ्रू, ताकि आपके जो बेयरिंग्स हैं उसके अंदर जो कॉन्टेक्ट लेस आपको मोशन मिल सके वो ईजिली आप इसको मूव करवा सकें, और आपका फ्रिक्शन जितना कम होगा आपको एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा मिलेगी। CMM फीचर्स जो है, ईच एक्सिस इज फिटेड विद ए रेफरेंस सिस्टम एंड ए लीनियर मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर फॉर पोजिशनल फीडबैक। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं जो कि आपका लीनियर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस रिप्रेजेंटेशन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी मशीन है कौन सी एक्सिस में मूव कर रही है, और वो ट्रांसड्यूसर जो आपका है वो आपको 0.5 माइक्रोन तक रिजोल्यूशन दे सकता है। पैसिव वाइब्रेटिंग डैम्पिंग सिस्टम आइसोलेट एक्सटर्नल वाइब्रेशन। इसमें हम यहाँ पे वाइब्रेशन डैम्पिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो कि कोई भी अगर वाइब्रेशन है सिस्टम में तो उनको ईजिली आइसोलेट कर पाए, ताकि आपके जो मेजरमेंट हैं उनके अंदर एक्यूरेसी आपको प्रॉपरली मिल सके। FA डिजाइन ब्रिज बीम एक्सट्रूशन प्रोवाइड ऑप्टिमम MI फॉर मिनिमम डिफ्लेक्शन व्हेन ऑपरेटिंग एट हाई एक्सेलरेशन। जब हम हाई एक्सेलरेशन के लिए इसको यूज करते हैं तो आपकी जो बीम है, बीम एक्सट्रूशन जो हमें मिला था, वो आपको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज रिजल्ट देता है, ताकि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंदर मिनिमम डिफ्लेक्शन मिले। तो मिनिमम डिफ्लेक्शन अगर होगा तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी और आपके रिजल्ट हैं वो हमें प्रॉपर और एग्जैक्ट मिल जाएंगे। प्रॉबिंग सिस्टम जो हम इसमें यूज करते हैं वो क्या रहता है, द टच प्रॉब फॉर्म द सेंसिंग डिवाइस ऑन द एंड ऑफ द क्वेल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे प्रॉब जो है वो एक नीडल की तरह है, बिल्कुल एक पतली सी, और यहाँ पे ये सेंस करती है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये टच कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर क्या एक्सिस रहेगी और क्या इसका कॉन्टैक्ट रहेगा। तो जो मैकेनिकल प्रॉब हम यूज करते हैं वो कॉन्टैक्ट टाइप हो सकती है, सोल्डरिंग ए हार्ड बॉल टू द एंड ऑफ ए शाफ्ट, नो कंट्रोल ऑन मेजरिंग प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे हार्ड बॉल यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स जब हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका कंट्रोल हम मेजर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक टच ट्रिगर प्रॉब, ये भी कॉन्टैक्ट टाइप होती है, जहाँ पे भी हमें टच करना होता है वहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा। स्टाइलस इज स्प्रिंग लोडेड विद रूबी बॉल एट द टिप, यहाँ पे टिप पे एक आपकी रूबी बॉल होगी जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड रहती है। एज द प्रॉब टच द सरफेस ऑफ द कॉम्पोनेंट द स्टाइलस डिफ्लेक्टेड एंड साइमल्टेनियसली सेंड द XYZ कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। और जैसे ही आपका स्टाइलस है वो आपके टच को, जो सरफेस को टच करता है, तो सरफेस को टच करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके XYZ कोऑर्डिनेट के, वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर को सेंड कर दी जाती है। ऑप्टिकल प्रॉब एंड लेजर प्रॉब्स, ऑप्टिकल प्रॉब या लेजर प्रॉब आपकी कैसी हो सकती है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, क्योंकि जो भी आपकी लाइट के ऊपर बेस्ड हैं तो उनमें आपको कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाइट लाइट या लेजर बीम इज प्रोजेक्टेड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द पार्ट। तो जो भी पार्ट सरफेस है जहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है वहाँ पे लाइट की बीम होगी, वो इंसर्ट की जाएगी और उसके बाद वो स्कैन करके आपको बेटर रिजल्ट वहाँ पे दे सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशनिंग क्या है। तो जब हम स्कैनिंग करते हैं किसी भी पार्ट की, प्रोटोटाइप अगर हमें बनाता है या री इंजीनियरिंग हम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉब या लेजर प्रॉब्स होती हैं, वो बेटर रिजल्ट रहते हैं। प्रॉबिंग सिस्टम जिसमें आपकी प्रॉब है कैसे ट्रेवल करती है, तो प्री ट्रेवल वेरिएशंस PTV क्या होता है इसके अंदर, कि प्री ट्रेवल इज द अमाउंट ऑफ स्टाइलस बेंडिंग एट द पॉइंट दैट ए ट्रिगर अकर्स। तो दैट मीन्स आपके जो भी मूवमेंट है उससे पहले का आपका जो अमाउंट है कि कितना आपका स्टाइलस बेंडिंग करता है, तो वो आपका प्री ट्रेवल कहलाता है। डिपेंड किस पे करता है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि यहाँ पे FC से डिनोट किया गया है, नीडेड टू ओवरकम स्प्रिंग फोर्स FS। तो दैट मीन्स आप FS जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ आप जो स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, और साथ में आपका कॉन्टैक्ट फोर्स जब आप इसके ऊपर टच करेंगे तो एक आपका रिएक्शन जो अप्लाई होगा वो आपका FC कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। लेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द स्टाइलस, डेफिनेटली अगर यहाँ पे स्प्रिंग है तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी स्टिफनेस भी होगी, और उसी स्टिफनेस का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी प्रॉब की लेंथ के ऊपर भी। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट आर, किस डायरेक्शन में आप इसको मूव करवा रहे हैं। प्री ट्रेवल इन द जेड डायरेक्शन टेंस टू बी स्मॉल डेस्पाइट द हायर फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर आप इसके जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो जेड डायरेक्शन के अंदर आपका प्री ट्रेवल होगा वो बहुत कम रहेगा,
क्योंकि आपका फोर्स है वो डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हायर फोर्सेज की वजह से आपका प्री ट्रेवल यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। बट दूसरी जो डायरेक्शन होंगी आपकी एक्स और वाई एक्सिस, उनके अंदर आपके प्री ट्रेवल का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि आपका स्टाइलस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बैंड हो जाएगा या हल्का सा कम बैंड रहेगा। तो अगर आपने टच करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बैंड होकर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यही आपका है प्री ट्रेवल। तो प्री ट्रेवल कैन बी कंपनसेटेड बाई प्रॉप कैलिब्रेशन। अगर हम इसको सही करना चाहते हैं कि हमें मेजरमेंट के टाइम प्री ट्रेवल ना मिले, तो वो आपके प्रॉप कैलिब्रेशन से हो सकता है। ए डेटम फीचर ऑफ नॉन साइज एंड पोजिशन इज मेजर्ड टू एस्टेब्लिश द एवरेज प्री ट्रेवल। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइलस मॉडल्स दिखाए हैं, अलग अलग टाइप के जो स्टाइलस हैं प्रॉबिंग के लिए, हम उनको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं।